प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए आरंभ की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। हमीरपुर जिला में भी कई किसान इस योजना से लाभ उठा चुके हैं। पिछली रवि सीजन 2020-21 के दौरान गेहूं की फसल का बीमा करवाने वाले जिला के किसानों को 3,25,00,000 का मुआवजा भी दिया गया है। इस वर्ष 15 दिसंबर तक हमीरपुर जिला में किसान परिवार फसल बीमा करवा सकते हैं। हमीरपुर में कृषि विभाग में उपनिदेशक डॉक्टर पीएस सैनी ने बताया कि जिला में 90% रवि की फसल की बिजाई हो चुकी है। उन्होंने सभी किसानों से आह्वान किया कि वे फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं और अपना फसल का बीमा जरूर करवाएं तथा केसीसी कार्ड भी जरूर बनाएं। उनका कहना है कि केसीसी से खुद ब खुद किसानों की बीमा राशि कंपनी को प्रीमियम के रूप में प्राप्त हो जाती है, लेकिन यदि कोई किसान बीमा नहीं करवाना चाहता है तो वे अंतिम तिथि से 10 दिन पहले इस विषय में बैंक को सूचित कर सकता है। जहां तक हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का सवाल है, यहां करीब हमारे यहां कोई 32,000 हेक्टर में खेती की जाती है, जिसमें जो हमारी रवि फसल है, जिसमें मेनली वीट हमारी मुख्य फसल है, तो इसमें कोई 30,000 हेक्टर एरिया जो है वो है। और इस बार जो लोगों की डिमांड थी तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने करीब 5,100 कुंटल जो हाई रीडिंग वैरायटी है हमारी, इसकी गेहूं की बहुत सारी वैरायटीज हैं, 3-4 वैरायटियां जिनका बीज हमने लोगों को उपलब्ध करवाया है। तो अब करीब करीब हमारे कोई 90% एरिए में बुआई हो चुकी है, क्योंकि बारिश भी पीछे हो गई थी। और इस बार मैं देख रहा था अभी कुछ एरिए में, जो जैसे मैंने भ्रमण किया तो जर्मिनेशन भी हो गई है कुछ एक जगह। तो मैं यही चाहूँगा कि सभी किसान भाई वो अपना जो फसल बीमा है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो हमारी चल रही है भारत सरकार की, उसमें अपने को पंजीकृत कराएं। तो इसमें पंजीकृत करवाने के दो विधियां हैं। एक तो ये है कि जो किसान जिनका केसीसी बना हुआ है तो वो तो ऑटोमेटिकली केसीसी के माध्यम से ही उनका प्रीमियम कट जाता है। हाँ, इसमें एक चीज जरूर है कि जो किसान लिख के दे दें, जैसे हमारी इसकी जो डेट है वो 15 दिसंबर है, 15 दिसंबर तक सभी लोग इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो 15 दिसंबर से पहले अगर लोग लिख के दे दें बैंक को, जहां से उनका केसीसी है, कि मैंने इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं देना है और मैंने नहीं करवाना, तो उनका नहीं कटता। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर पीसी सैनी ने बताया कि जिला में 72,000 के करीब किसान पंजीकृत हैं, जबकि अभी तक महज 32,000 किसान परिवारों का ही किसान कार्ड बन पाया है। उनका कहना है कि यदि किसी किसान परिवार का किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तब भी वे फसल बीमा योजना का पोर्टल में जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपना बीमा करवा सकता है। डॉक्टर सैनी ने कहा कि रवि सीजन 2020-21 के दौरान जिला के 19,047 किसान परिवारों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गेहूं की फसल का बीमा करवाया गया। उन्होंने बताया कि 13,500 किसान परिवारों को सरकार की तरफ से मुआवजा दिया गया। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से किए गए इस बीमे की बीमित राशि के रूप में 3,25,00,000 रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में डाल दिए गए हैं। इस वर्ष 15 दिसंबर तक हमीरपुर जिला के किसान परिवार फसल बीमा करवा सकते हैं। जो केसीसी होल्डर हैं हमारे यहाँ करीब 37,000 हैं, जबकि टोटल हमारी जो फैमिलीज हैं, फार्मर फैमिलीज, वो कोई 72,000 है, यानी कि इसमें काफी गैप है। तो इसमें मैं तो यही चाहूंगा कि जिनका केसीसी नहीं है वो किसान भी अपने को एनरोल करें। इसके लिए दो माध्यम हैं, एक तो वो बैंक के द्वारा अपना प्रीमियम दे सकते हैं और वहां रजिस्टर कर सकते हैं अपने को, और दूसरा है कि वो केसीसी बनवाएं। और सभी बैंकों को हिदायत दी गई है कि वो सभी किसान परिवारों का केसीसी बनाएं, और ऑनलाइन भी ये पोर्टल पे जा सकते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल है, तो उस पर अगर लॉगिन करते हैं तो डायरेक्ट अपने आप भी प्रीमियम पे कर सकते हैं। और पिछली साल भी जैसे हमने देखा है, जो हमारा इंश्योरेंस का था, कोई 19,047 जो फार्मर फैमिली थी वो इसमें इंश्योर हुई थी और उन्होंने प्रीमियम दिया था। और इसमें अब तक जो इस उनको जो पिछली साल जो हमारे यहाँ कुछ एक ब्लॉक्स में कम फसल हुई है, तो उस वजह से 13,705 लोगों को जो है
जिनकी फसल कम हुई या जिनका नुकसान हुआ है उनको सरकार ने क्लेम दिए हैं, और जिसमें 3,25,00,000 का जो क्लेम है वो लोगों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया है। कुल मनाकर के 12,921 लोगों को ट्रांसफर हुआ है और 784 लोग ऐसे हैं जिनका क्लेम उनको गया नहीं। उसकी वजह ये है कि उनके यहाँ कोई अकाउंट नंबर वगैरह का थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम रही। जैसे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो हम कर रहे हैं इसमें जो प्रीमियम है किसान को बहुत कम देना होता है, क्योंकि इसमें पर कनाल जो प्रीमियम है सारे 18 रुपये है, और अगर बात करें हम तो 450 रुपये पर हेक्टर का ही पे करना है जो रबी की फसलें हैं जिसमें मुख्यतः हमारी गेहूं की फसल है, तो बहुत कम प्रीमियम है। बाकी सारा पैसा जो भी देना होता है तो किसान को तो खाली इसका 1.5% ही देना होता है, क्योंकि इसका जो टोटल इंश्योरेंस कवर है पर हेक्टर वो 30,000 रुपये है, तो बहुत कम प्रीमियम यानी 18 रुपये पर कनाल दे करके अगर हम अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। और अगर कोई भी दिक्कत आती है जैसे सूखा पड़ जाए, बारिश ज़्यादा हो जाए, आपके ओलावृष्टि हो जाए, तो उसका पैसा लोगों को उसका मिल जाता है क्लेम। तो मैं तो चाहूँगा कि सभी लोग इसमें आएँ और एनरोल करें अपने को और इस स्कीम का फ़ायदा उठाएँ। ठीक है।